पर्सनल टीचर है इंग्लिश का। ओके न्यू टॉपिक, करेक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? गलतियां, मिस्टेक्स होती है ना। अच्छा, क्या क्या एरर हो सकते हैं? या अब तक आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी, F1 पढ़ा, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स की आप लोगों ने बताएं? कैलकुलेशन मिस्टेक, एंट्री में क्या गलती की, डेबिट गलत हो गया, इधर यहाँ से आवाज आई थी, क्या गलती की एंट्रीज में, पोस्टिंग, मतलब डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, हाँ, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, स्किप हो गई आपकी। अच्छा, और क्या गलत हो सकती है मिस्टेक में, क्या क्या हो सकती है? नाम में मिस्टेक हो गई, अमाउंट में मिस्टेक हो गई, डेबिट डेबिट क्रेडिट में, रिसीवेबल पेबल हो सकती है, रिसीवेबल को पेबल कर दिया, पेबल को रिसीवेबल कर दिया, और टोटल का मिस्टेक हो सकती है, टोटल गलत किया, बैलेंस गलत हो गया, या स्किप भी हो सकती है ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना भूल गए किसी, हाँ वो नाम चेंज हो गया, जैसे दो बार रिकॉर्डिंग कर ली, दो बार डेबिट हो गया, या दो बार क्रेडिट कर दिया आपने, डबल पोस्टिंग हो गई, तो मतलब एरर आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जितने भी एरर्स होते हैं, इन एरर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज। पहले वो कैटेगरीज लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनके नाम लिखेंगे, किस कैटेगरी में कौन से एरर्स आते, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इनकी करेक्शन किस तरह होती है। ठीक, तो एरर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बाकी ये तीन नाम ऑनेस्ट के बातें नहीं। ये पहली कैटेगरी एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बाकी ये तीन नाम ऑनेस्ट, एक ही कैटेगरी के तीन नाम। और सेकंड है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये दो कैटेगरी जो, जिनमें हम एरर्स को डिवाइड करते हैं, तो नॉट अफेक्टिंग में टोटल आएंगे 7 एरर्स हैं, और अफेक्टिंग में टोटल 5 एरर्स। तो पहले तो ये कैटेगरीज लिख लें, उसके बाद फिर इनके वन बाय वन नाम लिखेंगे, नॉट अफेक्टिंग कौन से होते हैं, अफेक्टिंग कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इनकी करेक्शन किस तरह की जाती है। सही, कहाँ तक नजर आ रहे हैं? अच्छा, एक काम करें, हाँ, अब देखिए, दो कैटेगरी से नॉट अफेक्टिंग और अफेक्टिंग, इसका मतलब क्या है? नॉट अफेक्टिंग का कि वो एरर्स हैं जो अगर एग्जिस्ट कर भी रहे होंगे तब भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा, मतलब ये वो एरर्स हैं, नॉट अफेक्टिंग मतलब कि अगर वो एग्जिस्ट कर भी रहे तो भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस इक्वल, तो इसका मतलब है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सब ठीक है, एरर के बावजूद ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है। जैसे कि आपने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, 10 ट्रांजेक्शन थी, 9 आपने रिकॉर्ड की, एक भूल गए, ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा? यस होगा, एक ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं की तो मतलब ट्रांजेक्शन हुई नहीं, ट्रायल बैलेंस तो आपका इक्वल हो जाएगा ना। 9 ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुई, ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा। अच्छा, एक अमाउंट था 1000 का, रिकॉर्ड आपने किया उसको 100 से, 100 से डेबिट, 100 से क्रेडिट, एक जीरो खा गए, ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा या नहीं? होगा। 1000 से डेबिट करना था, 1000 से क्रेडिट करना था, आपने 100 से डेबिट किया, 100 से क्रेडिट किया, इक्वल, एक जीरो कम हो गया, दोनों तरफ इक्वल ही आएगा ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या एक जीरो ज्यादा कर दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैश अकाउंट को डेबिट करना था, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश कम हो जाएगा, बैंक ज्यादा हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस इक्वल। तो ये मतलब होता है इसका, कि मतलब ये वायरस है जो अगर एग्जिस्ट कर भी रहे तो भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अफेक्टिंग कौन से, इनकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, एक साइड ज्यादा होगी, एक साइड कम, एक साइड का टोटल ज्यादा होगा, एक साइड का टोटल कम,
जैसे देखिए हम हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाते, अगर आपने सिंगल एंट्री बनाई, डेबिट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट रिकॉर्ड किया, डेबिट भूल गए, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा डेबिट आपने रिकॉर्ड किया 1000 से, क्रेडिट रिकॉर्ड किया 100 से, इक्वल नहीं होगा, 900 का डिफरेंस। ये मतलब कि इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इक्वल आएगा, और इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे एरर्स नॉट अफेक्टिंग और बाद में पढ़ेंगे एरर्स अफेक्टिंग। तो पहले इनके हम नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से एरर्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर करेक्शन पढ़ेंगे। पहले इनके नाम लिख लेते हैं नॉट अफेक्टिंग। पहला एरर ऑफ ओमिशन। ऑमिशन के मीन्स क्या होते हैं, ऑमिट या ऑमिशन, एक्सक्लूड करना, भूल जाना, मिटा देना उसको ना, ऑमिट। तो एरर ऑफ ऑमिशन क्या है कि वेयर अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ऑमिटेड फ्रॉम द बुक, कि आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, राइट, कॉपी कर लें। सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या लिखा, दिस एरर अकर व्हेन करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग अकाउंट, और आगे लिखा हुआ हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड। अच्छा देखिए लिखा, करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग अकाउंट। अच्छा क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ, करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट चेंज हो गया, सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमने कैश सेल्स की, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक। ये तो चीज की ओरिजिनल जो एंट्री बननी चाहिए थी ना, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब हमने एंट्री बनाई क्या, हमने कैश को डेबिट करने के बजाय बैंक को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट, अकाउंट चेंज हो गया। एरर क्या हुआ, कैश अकाउंट को डेबिट करना था, बैंक अकाउंट को डेबिट, रॉन्ग अकाउंट हो गया, एरर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल, अच्छा दे रेंट पे किया हमने, एंट्री क्या होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसके अब हमने एंट्री बनाई क्या, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट कर, रॉन्ग अकाउंट हो गया। रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर, रॉन्ग अकाउंट, अमाउंट सेम है। तो ये क्या हुआ, करेक्ट अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में एंटर किया, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। अच्छा एक चीज और इसमें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखें, ये क्या लिखा था, हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, क्या मतलब हुआ, हेड ऑफ अकाउंट आपके फाइव होते हैं ना, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल। यहाँ क्या है कि रॉन्ग अकाउंट तो होगा, अकाउंट तो रॉन्ग होगा, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होगा। जैसे कि एसेट एसेट, एक्सपेंस एक्सपेंस, लायबिलिटी लायबिलिटी, इनकम इनकम, हेड ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज होगा। जैसे कि देखिए पहले एग्जांपल में क्या था, कैश को डेबिट करना था, बैंक को डेबिट किया, अकाउंट रॉन्ग है लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, कैश भी एसेट है बैंक भी एसेट, यहाँ पे इधर रेंट एक्सपेंस और इधर सैलरी एक्सपेंस, रॉन्ग अकाउंट है लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, बैंक भी एक्सपेंस सैलरी भी। तो इसे कहेंगे आप एरर ऑफ कमीशन, के साथ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम रहे, एसेट एसेट, एक्सपेंस एक्सपेंस, लायबिलिटी लायबिलिटी, इनकम इनकम। जैसे अकाउंट पेबल की जगह आपने लोन पेबल लिख दिया, तो अकाउंट पेबल पे लायबिलिटी है, लोन पेबल पे लायबिलिटी, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन, कि अकाउंट रॉन्ग होगा लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम। सही है, ठीक है, कॉपी कर लें। अच्छा
लिख ले। तो नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा इसमें क्या लिखा, वेन एन अकाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। तो कमीशन और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है ये समझ ले। यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए मिलते जुलते हैं। यहाँ क्या लिखा था, करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग अकाउंट, आगे था हेड ऑफ अकाउंट नॉट अफेक्टेड। तो देखिए हेड ऑफ अकाउंट भी तो चेंज हो सकता है, कि आपने एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इनकम को लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका रॉन्ग अकाउंट के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो जाए तो वो कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिखा है, अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट, यानी कि आपने क्लास ऑफ अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल देख ले पहले इसकी, बाद में कॉपी करेंगे। अमाउंट तो करेक्ट है, हाँ अमाउंट यहाँ भी करेक्ट है, लेकिन आपने हेड ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन रिपेयर करवाई, मशीन रिपेयर करवाई तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होगा। अब आपने रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मशीन अकाउंट को ही डेबिट कर दिया, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, मशीन रिपेयर करवाई तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमने क्या किया, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मशीन अकाउंट को ही डेबिट कर दिया, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। तो देखिए अकाउंट तो रॉन्ग हो गया ना, कौन सा अकाउंट है, लेकिन इसके साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो गया। ये एक्सपेंस है और मशीन एसेट है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था, एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हेड ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया। सेकेंड, अच्छा ये हमने बैंक से लोन लिया तो एंट्री होगी बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट होगा। ठीक, अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, बैंक तो डेबिट किया और लोन पेबल को क्रेडिट करने के बजाय कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसमें क्या गलती है, देखिए अकाउंट तो रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज, लोन पेबल लायबिलिटी है और कैपिटल आपका इक्विटी है, हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो गया। ये क्या रहेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जहां पे टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो जाए तो वो कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन एरर। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होते हैं पता, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की मीनिंग पता है। अच्छा ट्रांसपोज होता है जिसको कहते हैं आप रद्दो बदल, इधर का माल उधर उधर का माल, गड़बड़ घोटाला। जी ट्रांसपोजिशन एरर क्या है, वेयर द सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स विद इन अ नंबर वाज एंटर्ड, सीक्वेंस चेंज हो जाए। जैसे कि ओरिजिनल अमाउंट था 75, रिकॉर्ड आपने किया 57 से, सीक्वेंस चेंज। ओरिजिनल अमाउंट था 105, रिकॉर्ड आपने किया 501 से, सीक्वेंस चेंज होता है। ठीक है, तो वो क्या लगेगा, ट्रांसपोजिशन एरर। डिजिट्स आपके सेम हो, सीक्वेंस चेंज हो जाए ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कैश सेल्स की 123 की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 123, और रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने, 3:1 कर दिया, 123 को 3:1 कर दिया। हाँ ठीक है, तो डिजिट तो क्या वही है, 1 2 3, 1 2 3, डिजिट सेम है, सीक्वेंस चेंज हो गया, तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोजिशन एरर। सेकंड, ओके इक्विपमेंट्स हमने बाय की 705 की और रिकॉर्ड इसे किया हमने 750 से, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस। तो 705, 705, डिजिट सेम है, सीक्वेंस ये क्या रहेगा, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन।
कौन सा है?